देश भर में कोरोना के मामले बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। कोरोना के मामलों में रोजाना तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। अब रोजाना के केस 3 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। दिल्ली में रविवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 22,933 नए मामले सामने आए तथा 350 और लोगों की इस घातक बीमारी से मौत हो गई। राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण की दर 30.21% है। स्वास्थ्य संबंधी सरकारी बुलेटिन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 10,27,715 हो गए हैं और कुल मृतक संख्या बढ़कर 14,248 हो गई है। दिल्ली में उपचाराधीन लोगों की संख्या भी बढ़कर 94,592 हो गई है। बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 21,071 मरीज ठीक हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली के 26 शमशान घाट और कब्रिस्तान कोरोना संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार के लिए आरक्षित किए गए हैं। 2 दिन पहले तक कोविड-19 संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार के लिए आरक्षित स्थलों की यह संख्या 23 थी। मतलब रोजाना कोरोना संक्रमित शवों के बढ़ते बोझ के चलते अब तक शमशान घाटों में अलग से प्लेटफॉर्म चिता जलाने की अस्थायी स्थान बना लिए जा रहे हैं। अब हालात बेकाबू नजर आने लगे हैं तो दिल्ली नगर निगम ने अलग अलग इलाके में 3 और अंतिम संस्कार स्थल बढ़ा दिए हैं। कोरोना वैक्सीन लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।